को एंजॉय करना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि हियर एंड यू आर वाचिंग सृष्टिज डायरी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू चूज द राइट सीरम फॉर योर फेस। सीरम्स बहुत सारे तरीके के आते हैं, वाटर बेस्ड होता है, ऑयल बेस्ड होता है, ऑयली स्किन के लिए होता है, ड्राई स्किन के लिए होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक AHA, BHA, नियासिनामाइड सीरम, विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल सीरम, बहुत सारा मार्केट में सीरम अवेलेबल है। और कई बार आप कंफ्यूज होते होंगे यार कौन सा सीरम अप्लाई करूं जिससे मेरा फेस बहुत अच्छा हो जाए, कौन सा सीरम अप्लाई करूं जिससे मेरा फेस बिल्कुल ग्लोई हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे सीरम्स खरीद लेते हो और उनमें से कुछ सीरम ऐसे होते जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते हैं या फिर उतने इफेक्टिव नहीं होते और आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज का वीडियो देख के आपको सिर्फ अपने स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको सीरम खरीदना है। मैक्सिमम 2 सीरम और मिनिमम 1 सीरम आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा सीरम्स आप अपने फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे डेली बेसिस पे। बहुत सारे सीरम होते हैं जो वीक में सिर्फ एक बार अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे सीरम्स होते हैं जिनको वीक में 2 बार अप्लाई करना होता है, और बहुत सारे सीरम्स ऐसे होते हैं जिनको आप डेली यूज कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी, कंसर्न के अकॉर्डिंग सीरम्स अलग बताऊंगी और स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग सीरम्स आपको अलग बताऊंगी। जस्ट लाइक अगर आपका ऑयली स्किन है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए कौन से सीरम्स का क्या कैटेगरी होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बट मैं आपको बताऊंगी। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग सीरम चूज करना, बिकॉज सीरम का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट। हम सीरम्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारा जो भी फेस का कंसर्न है उसको ट्रीट करने के लिए हम सीरम्स को यूज करते हैं। और अगर आपका कंसर्न कुछ और है और आप कोई और सीरम यूज करिएगा तो उतना इफेक्टिव होगा नहीं गाइज, और फिर एंड में आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये तो मेरे स्किन को सही नहीं कर रहा है। तो आपको ये चीज पता करना है कि आपके स्किन का कंसर्न क्या है। चलिए मैं आपको लिस्ट डाउन करती हूँ कि कंसर्न्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कंसर्न होता है एक्ने का। बहुत सारे स्किन में मुझे पर्सनली बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरा ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, मैं कौन सा सीरम अप्लाई करूं। तो पहला आपका कंसर्न आता है एक्ने का, दूसरा कंसर्न आता है पिगमेंटेशन, तीसरा आपका कंसर्न आता है एक्ने स्कार्स। बहुत सारे इनफैक्ट मैं खुद भी स्ट्रगल करती हूँ। एक्ने तो ठीक हो जाता है एक वीक में, बट उसका स्कार्स महीनों महीनों तक रहता है और हम ऐसा कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट सर्च करते रहते हैं जिससे हमारे स्कार्स ठीक हो जाएं। तो एक्ने स्कार्स हो गया। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा अनइवन स्किन टोन। अनइवन स्किन टोन मतलब कि आपका ये वाला एरिया थोड़ा डार्क है या फिर आपका फोरहेड थोड़ा डार्क है। ये मेरे को पहले होता था कि मेरा जो ये वाला एरिया था वो थोड़ा सा पैची या पिगमेंटेड लगता था राधा मेरा ये फेस वाला एरिया, बट अभी जब से मैं काफी केयर कर रही हूँ तो काफी इवन हो चुका है। तो बेसिकली इसको कहते हैं अनइवन स्किन टोन। डल स्किन भी एक कंसर्न है, सेंसिटिव स्किन भी एक कंसर्न है, तो ये सारा। और एंटी एजिंग बहुत बड़ा चीज होता है, एंटी एजिंग के लिए भी बहुत सीरम्स लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया आपके सीरम्स का मतलब प्रॉब्लम्स जो इश्यू हैं जिनको आपको ट्रीट करना है, ये कैटेगरी है। लेट्स टॉक अबाउट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, जिनको बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है, जिनका स्किन बहुत ऑयली है, उनको बहुत ज्यादा एक्ने आता है, तो उनको कौन सा सीरम अप्लाई करना चाहिए? उनको नियासिनामाइड सीरम अप्लाई करना चाहिए और उनको विटामिन सी सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड्स वो आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी जो मैंने मिनिमलिस्ट का विटामिन 10% विटामिन सी जो यूज कर रही हूँ, आई एम प्रेटी मच श्योर कि वो ऑयली स्किन वालों को भी सूट करेगा। थर्ड, रेटिनॉल सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। वीक में सिर्फ एक बार रेटिनॉल सीरम अप्लाई करेंगे और 1 से 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। और सैलिसिलिक एसिड सीरम वीक में 1 से 2 बार आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम अप्लाई करना है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड सीरम जो होता है वो आपके पोर्स के अंदर जाके बिल्कुल उसको क्लीन कर देता है, अनक्लॉग करता है और आपके फेस पे सीबन प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। तो अगर आपको सीरम यूज करना है BHA, तो आप मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज करो। बहुत अच्छा सीरम है गाइज, काफी हद तक एक्ने को रिड्यूस करता है, उसको प्रिवेंट करता है आपको ज्यादा एक्ने आने में, ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड सीरम। जिनका स्किन काफी ऑयली है, एक्ने कभी कभी आता है, उनके लिए नियासिनामाइड सीरम, विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल सीरम, जिंक
जिन सीरम में हो, ग्रीन टी हो, ये सारे सीरम्स काफी अच्छे होते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ट्राई करिएगा कि आप वाटर बेस्ड सीरम अप्लाई करो, बिकॉज वाटर बेस्ड सीरम क्या होता है, वो काफी लाइट वेट होता है और वो इजिली हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड सीरम का काम होता है वो डीप जाके हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स को सही करे, हमारे स्किन को ट्रीट करे और हमारे स्किन को सॉफ्ट, ग्लोई एंड सपल बनाए। तो ये हो गया आपका कंसर्न। नेक्स्ट कंसर्न क्या आता है, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, बहुत बार आपको यहाँ पे पिगमेंटेशन होगा यहाँ पे, या किसी भी वजह से कुछ भी पिगमेंटेशन होता है, सनबर्न भी हो जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए आपको अल्फा आर्ब्यूटिन यूज कर सकते हैं, आप कोजिक एसिड सीरम यूज कर सकते हैं, आप विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं रिपिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन हो गया, अब आ जाते हैं अनइवन स्किन टोन। इवन अनइवन स्किन टोन और स्कार्स दोनों के लिए मैं सेम बता देती हूँ, बिकॉज एक्ने स्कार्स को जो चीज रिड्यूस करेगा वो आपकी स्किन टोन को भी काफी हद तक अच्छा बनाएगा, अनइवन जो स्किन टोन है उनको इवन कर देगा। उसके लिए आप यूज करेंगे अल्फा आर्बिटिन यूज कर सकते हैं, आप नियासिनामाइड सीरम यूज कर सकते हैं। नियासिनामाइड से ज्यादा अच्छा मैं बोलूंगी आप विटामिन सी सीरम यूज करो, विटामिन सी सीरम ज्यादा हेल्प करता है आपके स्कार्स को रिमूव करने में, आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में। नियासिनामाइड अच्छा होता है बट स्लोली स्लोली हेल्प करता है आपके स्किन के जो भी पिगमेंटेशन, तो मुझे ऐसा लगता है विटामिन सी आपके पिगमेंटेशन को काफी जल्दी रिड्यूस करता है, आपके स्किन को काफी ब्राइट एंड रेडिएंट बनाता है। उसके बाद आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, बट अगर रेटिनॉल आपको यूज करना है तो या तो फिर आप किसी डर्मेट से सजेस्ट करके लो, या फिर आप कोई बहुत ही स्मॉल परसेंटेज का रेटिनॉल से शुरू करो, रेटिनॉल यूज कर सकते हो। अगर आप 25 प्लस हो तो आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक कंसर्न, ड्राई स्किन, जिनका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है उनको कौन सा सीरम अप्लाई करना चाहिए। तो उनको रोज हिप ऑयल वाले सीरम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो काफी मॉइस्चराइज्ड होता है। नियासिनामाइड सीरम प्लस हाइलुरोनिक एसिड मिक्स करके जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं और रेटिनॉल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग के लिए आपको 2-3 सीरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट विटामिन सी सीरम, सेकेंड मल्टीपेप्टाइड सीरम जो आपके कॉलेजन को इम्प्रूव करता है, आपके कॉलेजन को बूस्ट करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल एंड रेडिएंट रखता है, एंड थर्ड रेटिनॉल। रेटिनॉल भी बहुत अच्छा होता है, एंड इसके अलावा आपको AHA BHA भी यूज करना होता है, स्पेशली AHA, क्योंकि वो क्या होता है आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और आपके फेस को रिजुवेनेट करता है, और जो भी डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं तो नए सेल्स आते हैं, और जितना अच्छा आपके नए सेल्स रहेंगे उतना ही आपका स्किन सॉफ्ट, सपल एंड रेडिएंट दिखेगा। तो साथ के साथ आपको AHA BHA यूज करना है वीक में सिर्फ एक बार। सैलिसिलिक एसिड ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा होता है, और AHA जो होता है वो ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अच्छा होता है। आजकल मार्केट में टोनर्स AHA BHA मिक्सड आ रहे हैं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। कॉजारेक्स का AHA BHA टोनर काफी अच्छा है गाइज, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो आप सीरम के फॉर्म में भी AHA BHA यूज कर सकते हो और आप टोनर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो सीरम से है, नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली मैं टोनर का बनाऊंगी, जब भी बनाती हूँ तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि टोनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा टोनर यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। तो ड्राई स्किन वालों के लिए लैक्टिक एसिड अच्छा होगा, और बहुत ज्यादा ऑयली या फिर एक्ने प्रोन स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर लिया है, एंड ट्राई करो कि जो आपका सीरम हो उनको आप डार्क प्लेस में रखो, ड्राई डार्क प्लेस में रखो, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो, क्योंकि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने का, तो उनको आप संभाल के रखो। पंप में होना चाहिए या फिर ड्रॉपर में होना चाहिए, उनको बहुत केयरफुली यूज करो, एंड ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। 2-3 महीने में उनको फिनिश कर दो, ज्यादा लंबा नहीं रखने का जरूरत है कि आपने आज खरीद लिया और 2 महीने बाद अप्लाई कर रहे हो। आपने जब खरीदा है, जब आपने उसको ओपन कर दिया है, तो आप उसको अप्लाई करो, फिनिश करो, तभी दूसरे पे जाओ। वो ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज एज अ इन्फ्लुएंसर मैंने खुद ये देखा हुआ है कि बहुत सारे सीरम्स मैंने अप्लाई करना किया, थोड़े दिन छोड़ दिया, फिर 2 महीने बाद मैं देखती हूँ वो ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। तो गाइज ऐसे आपको करना नहीं है, पैसे काफी बर्बाद होते हैं। तो गाइज ये था वीडियो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसे स्किन कंसर्न जो मुझसे छूट गए हों उनको आप कॉमेंट करके मुझसे पूछना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।